नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सावन में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं। कई ग्रहों के प्रभाव से भाई बहन के प्यार वाले त्योहार पर बुरी नजर भी पड़ती है, जिनमें से एक भद्रा भी है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भद्रा काल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। इस साल वृश्चिक लग्न में 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 2:12 तक और कुंभ लग्न में सायंकाल 6:06 से 7:40 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। वहीं 22 तारीख को प्रातः 6:16 तक भद्रा की उपस्थिति है। इस कारण सुबह 6:16 तक रक्षा सूत्र नहीं बांध सकेंगे। शाम को 4:30 से राहु काल शुरू होने से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकेगा। बता दें कि इस साल रक्षाबंधन पर चंद्रमा मंगल के नक्षत्र और कुंभ राशि पर संचार करेंगे। वहीं ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ है। दरअसल शास्त्रों में राहु काल और भद्रा के समय शुभ काम नहीं किए जाते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा में राखी न बंधवाने का पीछे कारण है। लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा में ही राखी बंधवाई और एक साल के अंदर उनका विनाश हो गया, इसलिए इस वक्त को छोड़कर ही बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि भद्रा शनि महाराज की बहन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा में शुभ काम करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। इसके अलावा राहु काल में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।